previous lecture, we discussed about the concept of the coordination, compound and double salt. Today we are going to discuss the concept of the classification of compounds. Classification of coordination compounds किस तरह classify किए गए हैं? That is simple cation, complex anion, complex cation, simple anion, complex cation, complex anion and neutral compound. For example, अगर हम सबसे पहला यहाँ पे coordination compound का classification हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका हम एक example लेते हैं K4Fe(CN6). ये जो coordination compound है, it is a type of simple cation and complex anion. इसके अंदर simple का मतलब क्या है? जो भी species coordination compound के अंदर present होगी, वो species square bracket के बाहर होगी. यानी सिंपल का मतलब है जो भी स्पेसिस हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर यहाँ पे होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, और कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो भी स्पेसिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. यानी इस तरह का आपके सामने सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स आयन का एग्जाम्पल है K4Fe(CN6). अगर इस कंपाउंड का डिसोसिएशन होता है तो यहाँ पे चार पोटेशियम है और पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है, तो ये 4K+ बनाएगा. तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 4 निगेटिव चार्ज. तो इसका मतलब सिंपल जो है वो कटायन है पॉजिटिव चार्ज, और कॉम्प्लेक्स जो है उसके ऊपर अनायन, दैट इज द निगेटिव चार्ज. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्स कटायन सिंपल अनायन. इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं Cu(NH3)6SO4. कॉम्प्लेक्स कटायन यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब मैंने आपको बताया जो भी स्पेसिस होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और सिंपल का मतलब होता है जो भी स्पेसिस होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर. अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम डिसोसिएशन करते हैं तो SO4 कैरीज द 2 निगेटिव चार्ज. SO4 के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कटायन हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस, और सिंपल जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वो अनायन हो गया है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस. तो दीज आर आल्सो द वन एग्जांपल ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज कॉम्प्लेक्स कटायन सिंपल अनायन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स कटायन कॉम्प्लेक्स अनायन. फॉर एग्जाम्पल इस तरह के जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आते हैं, जैसे 2 स्क्वायर ब्रैकेट के कॉम्बिनेशन में इस तरह का कंपाउंड प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल CrNH3 6 एंड CoCl 6. कॉम्प्लेक्स का मतलब दो स्पेसिस विच आर प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कटायन कॉम्प्लेक्स अनायन. नेक्स्ट है न्यूट्रल कंपाउंड. न्यूट्रल का मतलब होता है दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच डू नॉट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज. जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है, इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ना निगेटिव, सो इट इज द न्यूट्रल कंपाउंड. इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इट इज ऑल्सो द वन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे सामने यहाँ पे लिखा भी दिया होता है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन सी टर्म होती है, यानी उसका क्या हम डिनोशन करते हैं. जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट. दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाई देगा सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम के नेक्स्ट जो भी रहेगा वो होगा यहाँ पे लिगैंड, और लिगैंड के बेस में जो नंबर होगा दिस नंबर इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर. अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई सिंपल टर्म आती है, इस सिंपल टर्म को कहते हैं काउंटर आयन, और ये काउंटर आयन को जो डॉटेड लाइन यहाँ पे सराउंडेड किया गया है इसे कहते हैं
आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये हमारे हमने एक एग्जांपल लिया था कॉम्प्लेक्स कटायन, सिंपल एनायन का। उसी तरह हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया है सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का। इसी के अंदर भी आप देख सकते हैं सिंपल ये जो है कटायन, इट इज अ काउंटर आयन। इसको सराउंडेड जो है हमने डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाई है, दिस इज द आयोनाइजेशन स्फीयर। जैसे ही हम स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे ही हम ब्रैकेट के अंदर एंटर होते हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल के एटम में नेक्स्ट जो रहेगा सो इट इज द लिगैंड, और लिगैंड के बेस में जो नंबर रहेगा सो इट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। इस टर्म को हमें समझ के लेना है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है K4Fe-Cl6। इसके अंदर जो स्पेसीज आ रही है, जैसे काउंटर आयन आता है इसके अंदर, इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम है, लिगैंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और जब भी यहां पे काउंटर आयन आएगा इट्स सराउंडेड बाय द आयनाइजेशन स्फीयर। इन सारे टर्म को यहां पे हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। सेंट्रल मेटल एटम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर होगा, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट। यह हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट से ही आएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। सो सेंट्रल मेटल एटम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा, इट इज ऑलवेज फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम किसे कहते हैं? तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम देखेंगे तो सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट को हमने कहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसे डिफाइन कैसे किया जाएगा? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन है? सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड। सो सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड लिंक्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, लिंक्ड टू इट, आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, सो दीज आर नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसको डिफाइन किया जाता है सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड लिंक टू इट आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम है और लिगैंड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है और ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाले गए हैं, सो इट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं काउंटर आयन के बारे में। काउंटर आयन का मतलब क्या है? तो काउंटर आयन का मतलब है दो स्पेसेस विच आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, दो स्पेसेस विच आर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट और साइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, यहाँ पे काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट के और साइड में प्रेजेंट है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट के आइदर साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो काउंटर आयन है वो निगेटिवली चार्ज है, एसओ फोर टू निगेटिव, और यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो काउंटर आयन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जो पॉजिटिव होता है उसे हम कटायन कहते हैं और जो निगेटिव होता है उसे हम अनायन कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है जो भी कटायन काउंटर आयन होगा इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ द ब्रैकेट, वो हमेशा आइदर साइड ऑफ ब्रैकेट में ही प्रेजेंट रहता है। और जो भी काउंटर आयन अनायन होगा इट इज प्रेजेंट इन और साइड ऑफ द ब्रैकेट, वो हमेशा और साइड ऑफ ब्रैकेट प्रेजेंट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और काउंटर आयन का डेफिनेशन हम करेंगे दो स्पेसेस विच आर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द ब्रैकेट और साइड ऑफ द ब्रैकेट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दीज आर नोन एज द काउंटर आयन। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो लिगैंड के बेस में होता है इसे हम कहते हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सो नंबर ऑफ लिगैंड्स, कितने नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। सो नंबर ऑफ लिगैंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम
known as the coordination number. तो जैसे इस एग्जाम्पल में coordination number 6 है, इसका मतलब 6 ligands central metal atom को attach है. Next concept आता है ionization sphere. Ionization sphere हमने किसको कहा है? जो dotted line हमने यहाँ पे लिखा के दिया है, इस dotted line का नाम है ionization sphere. What is the meaning of that? So sphere of influence, इसे कहा जाता है sphere of influence surrounded by counter ion. इसका मतलब ये है जिस जहां तक काउंटर आयन का इफेक्ट होगा वहां तक स्पीयर बनेगा. दैट इज अ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सराउंडेड बाय द काउंटर आयन. दिस स्पीयर इज नोन एज द आयनाइजेशन स्पीयर. तो जहां तक इसका इफेक्ट होगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वहां तक जितना स्पीयर बनेगा उस स्पीयर को हम यहाँ पे कहेंगे आयनाइजेशन स्पीयर. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है लिगैंड. लिगैंड हम किसे कहते हैं? So ligand is the molecule or ion. यहाँ पे ये neutral molecule है और यहाँ पे ये ion है. So ligand is the molecule or ion. Molecule or ion coordinated to the central metal atom. Coordinated to central metal atom. This is known as the ligand. और लिगैंड की हमें और डिटेल में स्टडी करना है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी स्टडी करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे.